नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव। सीएम नीतीश कुमार पर सरकार बनने के बाद से ही लगातार सवाल उठते रहे हैं, चाहे कानून व्यवस्था को लेकर के हो, चाहे फिर प्रशासन को लेकर के हो, या फिर शराबबंदी को लेकर के हो। शराबबंदी पर तो लगातार जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं, उससे तो मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं अब विपक्ष नहीं बल्कि एनडीए के घटक दल हैं बीजेपी, वो ही अब नीतीश कुमार के प्रशासन पर और नीतीश कुमार के शराबबंदी कानून पर सवाल उठा रहे हैं और नीतीश कुमार को घेर रहे हैं, और साथ ही साथ नीतीश कुमार पर कई तरह के आरोप भी लग रहे हैं कि जिस तरह से शराबबंदी कानून लगाया गया है, उस तरह से उनका पालन नहीं किया जा रहा है। कई जगह ऐसे हैं जहां के शराबबंदी कानून का उल्लंघन किया जा रहा है। वहीं इसको लेकर के लगातार विपक्ष भी सवाल उठाता रहा है, और वहीं अब बीजेपी के नेता भी नीतीश कुमार को घेरने में लगे हैं शराबबंदी कानून को लेकर के। इस बार बीजेपी के सांसद हैं औरंगाबाद से सुशील कुमार सिंह ने भी नीतीश कुमार को घेरा है, और साथ ही कहा है कि बिहार में शराबबंदी कानून पूरी तरीके से फेल है, यह पुलिस के अवैध कमाई का जरिया बना हुआ है। अकेले रफीगंज में कई जगहों पर और बताया कि अवैध शराबबंदी का दुकान है, अड्डा है, जहाँ पर शराब की बिक्री होती है। लगातार जिस तरह से बिहार में शराबबंदी कानून का उल्लंघन किया जा रहा है, ये कोई पहला मामला नहीं है जहाँ शराबबंदी कानून का उल्लंघन का मामला सामने आया है। साथ ही उन्होंने बताया कि पुलिस का ये अवैध कमाई का जरिया बन गया है। लगातार नीतीश कुमार पर शराबबंदी कानून को लेकर सवाल उठते रहे हैं, विपक्ष तो घेरता रहा ही है। लेकिन अब नीतीश कुमार के घटक दल हैं बीजेपी के सांसद भी इसको लेकर के सवाल उठाते रहे हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने जब सवाल शराबबंदी कानून लागू किया था तो सबको ये एक कहा गया था, अधिकारियों को शपथ दिलाया गया था कि ना तो शराब पियेंगे ना शराब पीने देंगे। वहीं अब इसमें कई अधिकारी भी संलिप्त पाए जाते हैं कि अधिकारी शराब पीते पकड़े गए हैं, या फिर अधिकारी शराब को छुपाए पकड़े गए हैं। फिर कहें अधिकारियों की मिलीभगत होती है, जो शराब माफिया होती है उसके साथ मिलीभगत होता है। इसको लेकर के लगातार नीतीश कुमार के प्रशासन पर, नीतीश कुमार के इस फैसले को लेकर के सवाल उठते रहे हैं कि नीतीश कुमार का जो फैसला शराबबंदी कानून है पूरी तरीके से विफल है। इसको समीक्षा बैठक होनी चाहिए, समीक्षा करनी चाहिए। जिस तरह से बीते दिनों आप अगर बात करें तो कांग्रेस के विधायक दल के नेता हैं, वो भी इसको लेकर के सवाल उठाए थे, शराबबंदी कानून वो पूरी तरीके से फेल हैं, इसको शराबबंदी कानून को ख़त्म करना चाहिए। अजीत शर्मा हैं भागलपुर के विधायक, उन्होंने सवाल उठाया था। वहीं तमाम जो जदयू के नेता, उनका कहना है कि शराबबंदी कानून पूरी तरह से सफल है, लेकिन बीजेपी ही अब कह रही है कि शराबबंदी कानून पूरी तरीके से बिहार में फेल है, कहीं भी शराबबंदी का नियम का पालन नहीं हो रहा है। अब देखने वाली बात है कि इस पर नीतीश कुमार की तरफ से या फिर जदयू की तरफ से क्या रिएक्शन आता है, क्योंकि उनके ही घटक दल हैं जो लगातार नीतीश कुमार पर सवाल उठाते रहे हैं, चाहे कानून व्यवस्था को लेकर के हो, या फिर प्रशासन को लेकर के हो, या फिर गृह विभाग को लेकर के हो, या फिर आने वाले समय में जो क्या कुछ परेशानी देखने को मिलती है उस पर हम बात करेंगे। वहीं अब शराबबंदी कानून को लेकर के भी सवाल उठने लगे हैं। इस खबर में इतना ही। लगातार भारत लाइव को देखते रहें और जुड़े रहें। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।